Hey friends, so welcome back to our e-learning platform Origins e-Shala. I am Jain Mayank and you are watching the 11th lecture of nuclear power plants in the series of or playlist of power plant engineering. So last lecture mein humne fuel, moderator, coolant ye terms as part of basic elements of nuclear reactor complete kar liye the. So is lecture mein hum baki ke elements ko cover karne wale hain. So first we are going to talk about reflector. जो सबसे इंट्रीग्यूइंग टर्म लगता है पूरे डायग्राम के अंदर अगर आप नोटिस करोगे, क्योंकि कई बार होता है ना, देखते चलो फ्यूल है समझ आ गया, मॉडरेटर एक नया टर्म है वो एक अलग लगा, कूलेंट सुना हुआ है, रिफ्लेक्टर ये नया लगता है, बायोलॉजिकल शील्ड, थर्मल शील्ड, प्रेशर वेसल वो तो सुने हुए लगते टर्म्स, बट मॉडरेटर एंड रिफ्लेक्टर ये दोनों नए टर्म है जिसमें से मॉडरेटर तो कवर हो गया था बट रिफ्लेक्टर अब भी आपका इंटरेस्ट बनाए रखेगा. So without further ado, let's begin. So first, इस बार खास भाई फोन मत करना लेक्चर के बीच में, क्योंकि रिफ्लेक्टर के ऑलरेडी जो मेन क्या बोलते हैं यार गुड रिफ्लेक्टर की क्वालिटीज है वो मैं नोट करके रखी, तो बीच में अब डिस्टर्ब नहीं करना. सो रिफ्लेक्टर के लिए हम मटेरियल कौन से यूज करते हैं? हाइड्रोजन ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, कार्बन. इन शॉर्ट मॉडरेटर के जो मटेरियल थे उन्हें ही यूज करते हैं. यू सी, कोई था ऐसा मेंटोस खा के मस्त दिमाग की बत्ती जलाने वाला के सोचा यार रिफ्लेक्टर का काम क्या है? हाँ आपको समझा देता हूँ. रिफ्लेक्टर का काम क्या है कि बेसिकली जो चेन रिएक्शन के हाई स्पीड के न्यूट्रॉन्स भाग जाते हैं ना कोर में से, उनको फिर से कोर में भेजना है. मॉडरेटर से थोड़ा अलग है. मॉडरेटर क्या करता था, जो 13,200 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड वाले न्यूट्रॉन्स थे उनको 2.2 किलोमीटर पर सेकंड और 2200 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे ले आता था, यानी स्पीड कम करता था इन शॉर्ट. बट रिफ्लेक्टर क्या करता है, उन न्यूट्रॉन्स को फिर से कोर की तरफ भेज देता है. अब इसके लिए भी प्रोसेस तो सेम ही है, जो हाई एनर्जी है उस एनर्जी को कम करना है, तभी जाके वो न्यूट्रॉन्स वहां से कोर में से भागेंगे नहीं हाई स्पीड की वजह से. सो मॉडरेटर एंड रिफ्लेक्टर का काम ऑलमोस्ट एक जैसा है आप कह सकते हैं. इसीलिए जो मटेरियल मॉडरेटर के यूज होते हैं मोस्टली हाँ एग्जैक्टली नहीं, मोस्टली यानी 90% या 80% वही मटेरियल आप रिफ्लेक्टर्स के लिए भी यूज कर सकते हो. हाँ बस उनका फेज चेंज करना पड़ सकता है. मॉडरेटर सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, बट रिफ्लेक्टर ज्यादातर केसेस में सॉलिड ही होता है एंड सम केसेस में लिक्विड भी होता है. ज्यादातर जो यूज होते हैं वो लिक्विड ही यूज करना प्रिफर करते हैं, बिकॉज अगर एक ही चीज से तीन तीन काम हो रहे हो तो कौन अलग से खर्चा करेगा, राइट? अब जरा सोचो यहां पे जो H2O और D2O है, H2O एंड D2O यानी वाटर एंड हैवी वाटर, ये मॉडरेटर में भी आ गए, कूलेंट में भी आ गए एंड रिफ्लेक्टर में भी आ गए. तो अगर मैं इनमें से किसी एक को यूज करूं तो मेरा तीनों का काम हो जाएगा, राइट? सो प्रिफरेबली इन दोनों का यूज सबसे ज्यादा इसीलिए होता है बिकॉज ये तीनों का काम कर देते हैं और उनका फ्लो चलता रहता है, तो जो न्यूट्रॉन्स भाग रहे थे उनको भी ऑटोमेटिक साथ में फ्लो के साथ ही वो ले आते हैं फ्यूल की तरफ. सो उस तरह से इनका काम होता है. सो यानी एक बात क्लियर रखना कि मॉडरेटर के जो मटेरियल होते हैं मोस्टली वही रिफ्लेक्टर का काम कर देते हैं. अब यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या आया, मॉडरेटर जो था वो स्पीड कम करने पर फोकस कर रहा था ताकि वो क्या बोलते हैं अपने रिएक्टर की बिल्डिंग को फाड़ के बाहर ना निकल जाए, बट रिफ्लेक्टर जो है वो उन्हें फिर से न्यूक्लियर कोर के अंदर भेज रहा है ताकि हमारे जो चेन रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है वो पॉसिबिलिटी हम इंक्रीज कर सके और हमारा चेन रिएक्शन ज्यादा टाइम तक कंटिन्यू चलता रहे, बिकॉज एक न्यूट्रॉन की सप्लाई जितनी तक होती रहेगी तब तक चेन रिएक्शन चलता रहेगा. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दोज टू. और ऑफकोर्स मॉडरेटर और रिफ्लेक्टर की मदद से जो आपके रिएक्टर का साइज है वो आप काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हो, यानी अबाउट 50% से भी ज्यादा साइज रिड्यूस हो जाता है. बाकी स्पीड को कम करने के लिए आपको पता भी नहीं कितना ज्यादा साइज देना पड़ सकता है. सो दैट्स व्हाई दे आर वेरी क्रिटिकल एलिमेंट्स फॉर एनी न्यूक्लियर रिएक्टर, क्योंकि ये जो स्पीड आपको भले लगते कि 13,200 किलोमीटर पर सेकंड से 2200 मीटर पर सेकंड ले आए होंगे, बट अगर वो नहीं करते तो एक रिएक्शन के सीधा न्यूट्रॉन निकलता और पता नहीं किस पावर प्लांट से किसी भी घर में घुस जाता है. इतना दूर जाते भी एनर्जी खत्म नहीं होती, इतनी ज्यादा एनर्जी होती है, तो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करना है, लॉस भी नहीं होने देना है और फिर से चेन रिएक्शन भी कंटिन्यू करना है. तो इसके लिए तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट से काम करता है. सो इसलिए इनका एक सही कॉम्बिनेशन बना के इंडस्ट्री में यूज किया जाता है. अब
माइंड वेल, यहाँ पे भले मैंने मॉडरेटर, कूलेंट, रिफ्लेक्टर सब अलग बनाए हैं, तो आपको ये समझ लेना है कि यहाँ पर जो ये जो बेसिक डायग्राम है, इसमें हमने अलग अलग मटेरियल्स यूज किए। लाइक कार्बन से हमने ये रिफ्लेक्टर बनाया होगा, मॉडरेटर बनाया होगा हैवी वाटर के सॉलिड फॉर्म से, और कूलेंट अपना सिंपल वाटर घूम रहा है। अब ऑब्वियस बात है, अगर मैंने मॉडरेटर हैवी वाटर का यूज़ किया है तो फ्यूल कौन सा होगा, ये आप मुझे कमेंट में बताएं। क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि मॉडरेटर का कॉम्बिनेशन फ्यूल पे कैसे डिपेंड करता है। तो हैवी वाटर का मॉडरेटर है, सो व्हाट विल बी द फ्यूल, एनरिच यूरेनियम और नेचुरल यूरेनियम, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। लेट्स सी आपको कितना याद है। सो कमिंग बैक टू रिफ्लेक्टर, ये तो हो गया बेसिक। अब जितनी बार रिफ्लेक्टर में मैकेनिज्म तो वही है कि स्पीड कम करने के लिए इलास्टिक कोलिजन होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो इस इलास्टिक कोलिजन के कंटिन्यूस होने से जो रिफ्लेक्टर है वो भी गर्म हो जाएगा। अब कूलेंट के साथ है तो वो तो हीट एब्जॉर्ब करके जाने ही वाला है, बट इन केस मटेरियल अलग है तो भी इसमें से हीट तो रिलीज करनी पड़ेगी, क्योंकि रिफ्लेक्टर अगर अलग मटेरियल तो वो तो उसके रिएक्टर में फिक्स रहने वाला है। इन दैट केस कूलेंट को रिफ्लेक्टर के साथ भी कॉन्टेक्ट में आके जाना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है। ज़्यादातर जनरली मॉडरेटर, रिफ्लेक्टर, कूलेंट तीनों एक ही मटेरियल यूज होते हैं, ये मैं बता चुका हूँ, वाटर एंड हैवी वाटर। सो वहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेनी, बट अलग मटेरियल है तब उसकी डिज़ाइन इस तरह से की जाती है कि कूलेंट रिफ्लेक्टर के कॉन्टेक्ट में भी होके जाएगा। अब इसकी आइडियल क्वालिटीज क्या होगी, फर्स्ट कि सेम, अब तो एग्जैक्ट सेम मॉडरेटर की क्वालिटीज के, न्यूक्लियर एंड थर्मल स्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब किए बिना रिफ्लेक्टिविटी देनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। पॉइंट थोड़ा चेंज हो जाएगा, भले मैंने लिखा सेम है बट इसको लिखने का स्टाइल आपको चेंज करना है कि न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब किए बिना उन्हें रिफ्लेक्ट करना चाहिए, दैट इज व्हाट दिस इज अबाउट। एंड ऑफकोर्स कोरोजन रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, वो पॉइंट सेम है एग्जैक्ट, उसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। एक कॉमन तीन पॉइंट है ना, सस्ता, सुंदर टिकाऊ के आपके कैसे आएगा, सस्ता, इजीली अवेलेबल एंड गुड कोरोजन रेजिस्टेंस, ये पॉइंट कॉमन आप तीनों में, मॉडरेटर, कूलेंट और रिफ्लेक्टर तीनों में लिख सकते हो, सो आपकी उतनी मेहनत कम। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। सो हियर वी गो विद द नेक्स्ट एलिमेंट। तो अब आती है कंट्रोल रॉड्स की, तो नाम में आधा काम हो गया इसका, तो कंट्रोल रॉड्स यानी ऐसे रॉड्स जो प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। अब कैसे कंट्रोल करते हैं, दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। सो बेसिकली किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर में पूरा प्रोसेस डिपेंड करता है चेन रिएक्शन पे, और चेन रिएक्शन इटसेल्फ डिपेंड करता है नंबर ऑफ अवेलेबल न्यूट्रॉन्स और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वीकेंस है। तो जब मैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर टॉपिक करा रहा था प्रीवियस लेक्चर में, तब भी आपने मुझे कहते हुए सुना होगा कि कंट्रोल रॉड की पोर्शन से हम कंट्रोल कर लेते हैं एक्सेट्रा। सो फाइनली आपकी क्वेरी वो आज सॉल्व कर देते हैं कि कंट्रोल रॉड क्या करता है, कि पूरे रिएक्टर का जो टेम्परेचर है और उसकी जो स्टेट या कंडीशन है पूरे रिएक्टर के, यानी रनिंग स्टेट में है, स्टॉपिंग स्टेज में है, कौन सी भी स्टेज हो या कंडीशन हो, उनको मेंटेन करता है एज पर आवर रिक्वायरमेंट बाय एब्जॉर्बिंग द एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या डिजायर्ड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी आपके प्रोसेस में जितने भी न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं फॉर एंड दे आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट चेन रिएक्शन जनरेशन, तो उस जनरेशन के बीच में जो आपको पता है ना, हमने पट्टी बनाई थी कि कुछ तो है जो इन न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट एलिमेंट वॉज द कंट्रोल रॉड जो उन न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर रहा था, और जो उन न्यूट्रॉन्स से वापस आगे चेन रिएक्शन करवा रहा था यानी उनको बाहर भागने नहीं देते, दे वर द मॉडरेटर एंड कूलेंट। सो आई होप यू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, दैट कंट्रोल रॉड कभी भी न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे। एक फनी बात बताऊं, अगर आपने नोटिस किया होगा तो कूलेंट, रिफ्लेक्टर, मॉडरेटर, इन तीनों की क्वालिटीज हमने एक क्वालिटी कॉमन देखी थी, दैट दे शुड नॉट एब्जॉर्ब एनी न्यूट्रॉन्स। क्यों भाई, अकेला ये काफी है एब्जॉर्ब करने के लिए, इसलिए। सो द ओनली एलिमेंट विच एब्जॉर्ब्स द न्यूट्रॉन्स इन एनी रिएक्टर इज द कंट्रोल रॉड। इसका मटेरियल ऐसा ही होता है कि ये एक्सेस न्यूट्रॉन्स को इजीली एब्जॉर्ब कर सके। सो ये एब्जॉर्ब करने से होगा क्या, बेसिकली न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने से इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है के, कैपिटल के, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको रिएक्टर को स्टार्ट करना हो तब के ग्रेटर देन वन, यानी यहां पर ये जो पोजिशन है कंट्रोल रॉड की, इसे हम ऊपर रख देंगे, बिकॉज कंट्रोल रॉड जितनी बाहर रहेगी न्यूक्लियर कोर से, जितनी बाहर रहेगी
उतने कम न्यूट्रॉन्स अब्सॉर्ब कर पाएगा। देखो अब कितना सा कॉन्टेक्ट में आ रहा है, इतना सा, यानी इतना ही पोर्शन अब न्यूट्रॉन्स को अब्सॉर्ब करेगा। लेकिन अगर मैं फुल लेंथ अंदर डिप कर दूं तो पूरे न्यूट्रॉन्स अब्सॉर्ब हो जाएंगे, तो आपका रिएक्टर शट डाउन हो जाएगा। सो इस तरह से पोजिशन को कंट्रोल करने से, यानी इसको अप डाउन 3D8 की जिप वाला अप डाउन, यानी बेसिकली वही यार, यू गेट इट, इसकी पोजिशन ऊपर या नीचे करने से हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो एब्जॉर्ब होने वाले हैं वो हम कंट्रोल करते हैं। यानी मुझे ज्यादा न्यूट्रॉन्स अब्सॉर्ब कराने हैं तो मैं इसे न्यूक्लियर कोर के ज्यादा डेप्थ में पहुंचा दूंगा। दैट इज एज सिंपल एज दैट। अब कई सारे को सवाल आएगा, ये होता कैसे है, यानी कंट्रोल रॉड्स अप डाउन हो रही है, तो इन अप डाउन हम करते हैं, कैसे करते हैं? सो दैट डिपेंड्स ऑन द रिएक्टर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम PWR यानी प्रेशराइज वाटर रिएक्टर आगे हम पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी, अभी खाली नाम याद रखो, उसके अंदर अगर हमें कंट्रोल रॉड्स की पोजीशन चेंज करनी है तो हम ज़्यादातर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जेट ये इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। सिमिलरली बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर यूज़ करते हैं, और कांडू रिएक्टर में भाई कंट्रोल रॉड होती ही नहीं है या नहीं होती तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, यानी कंट्रोल रॉड है ही नहीं तो उनकी क्या पोजीशन चेंज करोगे आप। दैट इज व्हाट इट मैटर्स। अब इसका मेन काम क्या है कंट्रोल रॉड का, तो ये हमारे के को कंट्रोल कर रहा है, राइट, यानी बेसिकली हमें कैपिटल के को कंट्रोल रॉड से कंट्रोल करना है। तो के जो काम थे वही यहाँ पे आ जाएंगे, लाइक रिएक्टर को स्टार्ट पोजीशन करना है, स्टार्टअप करना है, उसको स्टेडी स्टेट में मेंटेन करना है रनिंग करने के लिए, एंड अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो रहा है, आपका न्यूक्लियर फ्यूल मेल्ट होने लग गया है या आपका कूलेंट डिसइंटीग्रेट होने लग गया है, तो उस टाइम पे प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए, या इनफैक्ट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर को ही शट डाउन करना हो तो उस टाइम के को लेस देन वन करने के लिए भी हमें कंट्रोल रॉड ही यूज़ करने पड़ेंगे। सो दिस इज के ग्रेटर देन वन, के इक्वल टू वन, एंड के लेस देन वन, अगेन रिपीट। सो दैट इज आवर happens, ये लोग नहीं सुधरने वाले। स्टार्टिंग में बोला था कि मत डिस्टर्ब करना, क्वेरी होगी मैं वैसे ही सॉल्व कर दूंगा, इनको शांति नहीं है यार। शांति का आता पता हो तो हमारे घर पे भी काम करने वाले आने नहीं, तो उसको भेजते शांति का नाम देते। लेट्स सी क्या क्वेश्चन है इस बार। हेलो सर, बोरोबॉट हियर। सर जैसे कि आपने बताया कि कंट्रोल रॉड्स न्यूक्लियर प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं रिएक्टर के अंदर, बट कांडू रिएक्टर में कंट्रोल रॉड है ही नहीं आपने बताया, तो क्या वहाँ पर उस प्रोसेस को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती? क्या वो प्रोसेस ऑटोमेटिकली कंट्रोल में ही होता है कि वहाँ पे कंट्रोल रॉड या ऐसा कुछ मैकेनिज्म नहीं होता? तो ये कैसे पॉसिबल सर, वो समझा देते तो अच्छा होता ना। चलो कुछ थॉटफुल क्वेश्चन पूछा पहली बार। हाँ, कांडू रिएक्टर में कोई कंट्रोल रॉड नहीं होता, बट इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे प्रोसेस को हम कंट्रोल नहीं करते। ऑफकोर्स प्रोसेस को कंट्रोल करना पड़ेगा। इनफैक्ट कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट, क्या आप किसी भी पावर प्लांट में जाओ, वहाँ पे जो पावर प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है उसको कंट्रोल करने का कुछ ना कुछ मैकेनिज्म होता है। जरूरी नहीं कि सब सेम हो, बट देयर इज सम काइंड ऑफ मैकेनिज्म टू कंट्रोल इट, वरना उसे स्टार्ट कैसे करेंगे, स्टॉप कैसे करेंगे, कंट्रोलिंग उसे ही तो कहते हैं, राइट? तो बेसिकली कांडू रिएक्टर में क्या होता है, ये मैं वैसे भी जब कांडू रिएक्टर करानता तब इसे इन डेप्थ समझाने वाला था, बट अभी पूछ लिया तो कुछ नहीं। कांडू रिएक्टर में जो कूलेंट की क्वांटिटी होती है, उस क्वांटिटी को कम ज़्यादा करने से हम कंट्रोल करते हैं, बिकॉज जितने ज़्यादा कूलेंट आप पास करोगे उतना टेम्परेचर ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा और रिएक्टर का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, तो टेम्परेचर का कंट्रोल आ गया। या फिर फ्लो रेट ज़्यादा कम कर दो, आपका कूलेंट जितना ज़्यादा फ्लो हो रहा है उतना जल्दी टेम्परेचर ठंडा कर देगा। सिमिलरली जो न्यूट्रॉन्स अब्जॉर्ब होंगे वो भी कूलेंट के फ्लो पे ही डिपेंड करते हैं, या फिर आप प्रेशर पे भी ले लो, जितने ज़्यादा प्रेशर से कूलेंट अंदर जाएगा, यानी उसकी जो प्रेशर ट्यूब होती है उस ट्यूब पे जितने ज़्यादा प्रेशर आप वेराई करोगे उतना ज़्यादा न्यूट्रॉन्स अब्जॉर्ब होंगे, उतना टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा। यानी इन शॉर्ट कांडू रिएक्टर में जो उसमें लिक्विड फ्लो हो रहा है, मॉडरेटर एंड कूलेंट का मिक्सचर या दोनों में से जो भी एक है, वो हमारा कंट्रोल रॉड का काम कर देता है, एंड उसके फ्लो की क्वांटिटी को, वॉल्यूम को, या रेट को, फ्लो रेट को कंट्रोल करने से आप कांडू रिएक्टर में कंट्रोल कर सकते हो। तो वहाँ पे एक्स्ट्रा कंट्रोल रॉड्स का खर्चा करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कांडू रिएक्टर इट्सेल्फ एक बोलते ना
कनाडा ने जुगाड़ लगा के बनाया हुआ रिएक्टर ताकि हम नेचुरल यूरेनियम यूज कर सके। सो दिस इज इट फॉर टुडे सेशन। बाकी कंट्रोल रॉड्स का बहुत अच्छे से सही काम हो जाता है, हाँ, किसी भी रिएक्टर में जस्ट हाइट चेंज करो एंड यू गेट दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स टू कंट्रोल द होल प्रोसेस। वैसे एक अच्छा काम आप भी कर सकते हो, पहली बार हमारे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके बताओ कोई क्वेरी हो आगे तो। और अगर आपको इन डेप्थ ये सारे टॉपिक स्टडी करने हो फ्रॉम एनी रेफरेंस स्टैंडर्ड बुक, देन यू कैन चेक आउट आवर ब्लॉग www.originsconglomerate.blogspot.com एंड जस्ट सर्च पावर प्लांट इंजीनियरिंग। यू विल कम अक्रॉस सेवरल बुक्स, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स एंड ई बुक्स, PDFs, etc. फॉर स्टडी पर्पस। विद दैट सेड, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।